एक शेर द्वारा क्रूरता से क्रोधित होने के बाद अस्पताल में ब्रिट सफारी पार्क के मालिक की पहली तस्वीरें, क्योंकि वह दक्षिण अफ्रीका में अपने घेरे से गुजर रहा था। माना जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में फिल्म आया जाने वाला कष्टप्रद क्लिप माइक हॉज में बड़ी बिल्ली को अंडरग्लिथ में खींचने से पहले दिखाता है। यह ब्रिटिश सफारी पार्क मालिक है जो भयभीत दर्शकों के सामने अपने घेरे में प्रवेश करने के बाद एक विशाल पुरुष शेर द्वारा क्रोधित था। फुटेज को परेशान करने से शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के थबाजिम्बी में मैक्रेल प्रेडेटर सेंट में बड़ी बिल्ली ने माइक हॉज पर हमला किया। 1999 में यूके से अपनी पत्नी क्रिसी के साथ स्थानांतरित होने वाले ब्रिट वर्तमान में अस्पताल में हैं और कहा जाता है कि गर्दन और जबड़े की चोटें लगातार हैं। द सन ऑनलाइन के साथ बोलते हुए माइक का एक दोस्त, जो नाम नहीं लेना चाहता, ने कहा कि उसे मेडिकल लेने का अस्पताल 3 मील दूर पहुंचाया गया था। उनके दोस्त ने खुलासा किया कि शिकारी ने हमला किया था जब पार्क मालिक शेर के घेरे में गंध की जांच कर रहा था। उन्होंने कहा, माइक और उसके रेंजरों में से एक एक परिसर में गंध के बारे में थोड़ा चिंतित था, जो शेरों में से एक को परेशान कर रहा था और यह देखने के लिए गेट के माध्यम से गया था कि यह क्या कर रहा था। उसने शेर को किनारे पर रखा था, लेकिन जब माइक शेर में गया और उसके लिए आया और वह भाग गया, लेकिन वह जल्दी से गेट से नहीं निकल सके और उसे पकड़ लिया। अस्पताल से कोई जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन मुझे पता है कि वह जिंदा है और उसकी पत्नी और बेटी उसके साथ हैं। मुझे नहीं पता कि वह कितना बुरी तरह चोट पहुंचाता है, लेकिन वह एक प्यारा लड़का है और मैं उसे शुभकामनाएं देता हूं। वह शेर के चारों ओर कोई मूर्ख नहीं है और जानता है कि उनके साथ कैसे बातचीत करें, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ गलत हो गया, उसने कहा। दक्षिण अफ्रीकी पुलिस प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मुत्शे निगोपे ने समाचार 24 को बताया कि ब्रिट ने अपनी गर्दन और जबड़े को चोट लगी है, लेकिन वह फिर से भर रही है। फुटेज में शेर माइक को अपने घेरे में प्रवेश करने के बाद धक्का देता है और उसे सुविधा के धातु के दरवाजे की ओर ले जाता है। आश्चर्यजनक दृश्यों में बुजुर्ग पार्क मालिक को कुछ झाड़ियों की ओर एक रगुड़िया की तरह खींचा जाता है। दर्शक मदद के लिए चिल्लाते हैं, जबकि जानवर माइक को घुमाता है, जो हिलने वाला प्रतीत नहीं होता है। शेर फिर उसे झाड़ियों में डाल देता है, लेकिन फिर बंदूकें बाहर निकलती हैं और शेर डर जाता है, लेकिन शिकारी पीड़ित के पास रहता है, जबकि हवा में अधिक शॉट निकाल दिए जाते हैं। एक लड़की जो हमले देख रही है डरावनी रो रही है, क्योंकि एक और आदमी किसी के लिए चिल्लाता है, राइफल प्राप्त करें। हमले के बाद जानवर मारे गए हैं। परिवार के एक प्रवक्ता ने न्यूज़वीक को एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया था कि हम वन्य जीवन के साथ काम करने के खतरों के बारे में बहुत जागरूक हैं, लेकिन हमले के बावजूद वे अपना जुनून बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवार शेर नाम की शेर की मृत्यु पर विनाशकारी है, जिसे पार्क में एक शावक से उठाया गया है। उनकी वेबसाइट के मुताबिक लाइक और क्रिसी ने 209 में मारा किले पशु अभयारण्य खोलने से पहले 2003 में उत्तरी दक्षिण अफ्रीका के थबाजिम्बी में एक शेर परियोजना शुरू की थी, और पार्क की लोकप्रियता के कारण जोड़े ने पवित्र शेर, चीता और दो बंगाल बाघ समेत कम से कम एक दर्जन बड़ी बिल्लियों वाली अभयारण्य के भीतर शिकारी केंद्र बनाया। हमले के बाद मारा केले बंद रहता है, जबकि क्रिसी को घटना पर टिप्पणी करने के लिए बहुत परेशान कहा जाता था।